गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रश्मि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू आर्ट्स एंड साइंस, पीजी कॉलेज बेमेतरा, छत्तीसगढ़। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, इसको मैंने कंजर्वेशन ऑफ इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन में मैंने इसको समझा दिया है, तो भी मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। बायोस्फीयर रिजर्व एक इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। एंड बायोस्फीयर रिजर्व इट इज ए स्पेसिफिक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया वेयर वाइल्ड लाइफ एज वेल एज कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड फ्रेमवर्क रेगुलेट बाय गवर्नमेंट। एक ऐसा स्पेसिफिक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट पे। एंड यहाँ पे कल्टिवेटेड प्लांट फ्रेमवर्क की अनुमति होती है गवर्नमेंट के द्वारा। देयर आर अप्रोक्स 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। इंडिया में लगभग 18 बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो तीन जोन में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट होता है ट्रांजिशन जोन, जिसपे क्रॉपिंग या फिर रिक्रिएशन की किया जा सकता है, ठीक है। ये सबसे आउटर पार्ट होता है बायोस्फीयर रिजर्व का। देन जो सेकंड इसका मिडिल पार्ट होता है उसको बफर जोन कहते हैं, जिसमें रिसर्च एंड एजुकेशन से संबंधित एक्टिविटीज की जा सकती है। एंड सबसे बीच में आता है कोर जोन, जो सबसे मध्य का भाग होता है, जिसे रिस्ट्रिक्टेड जोन भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जाना निषेध होता है, प्रतिबंधित होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया एंड लोकेशन एंड इसके नेम्स, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व आर लार्ज एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी वेयर फ्लोरा एंड फौना आर प्रोटेक्टेड। बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा लार्ज एरिया होता है बायोडाइवर्सिटी का जहाँ पे फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्टेड किया जाता है, ठीक है। दिस रीजंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रफली correspond of IUCN category 5 protected area. Environmental IUCN category 5 के आधार पे biosphere reserve को protected area में रखा गया है, जिसमें environmental protection किया जाता है and उसे उसके regions के हिसाब से उसे क्या किया जाता है, classify किया जाता है, distribute किया जाता है। The Indian government has established 18 biosphere reserve of India which protected large area of natural habitat. Indian government ने 18 biosphere reserve को इंडिया में protected किया है, लार्ज एरिया को उनके natural habitat में। Then a national park or wildlife sanctuary, national park and wildlife sanctuary के बाद biosphere reserve of India often include one or more national park or sanctuaries along with buffer zone that are open to some economic uses. Biosphere Reserve of India जो होता है वो एक या एक से अधिक national park या फिर sanctuary को इसमें include किया जा सकता है। Students, यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि Biosphere Reserve में एक या एक से अधिक national park आ सकते हैं या sanctuary को उसमें include किया जा सकता है along with buffer zone. Buffer zone के साथ में उसको इंक्लूड किया जा सकता है। कहने का मतलब है, बफर जोन में हम क्या काम करते हैं, बफर जोन में हम एजुकेशनल एंड रिसर्च से संबंधित काम किया जा सकता है, ठीक है। बफर जोन सबसे मिडिल, बफर जोन जो होता है बायोस्फीयर रिजर्व का मिडिल वाला, मध्य वाला भाग होता है, जहाँ पे एजुकेशन एंड रिसर्च से संबंधित एक्टिविटी की जा सकती है, ठीक है। वो वाला जोन होता है जो ओपन होता है फॉर सम इकोनॉमिक यूजेस के लिए, वो ओपन होता है। Protection is granted not only to the flora and fauna of the protected region but also to the human communities who inhabit these regions and their way of life. जो protection होता है, ठीक है, उस region में जो flora and fauna होते हैं उनके protection, उनके flora का जो protection region है किसका, उनके फ्लोरा एंड फाउना को प्रोटेक्शन करने का है ना, उनके पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से, प्लस उसके साथ ही साथ वहाँ पे पाई जाने वाली जो ह्यूमन की जो कम्युनिटी होती है ना, उसको भी क्या किया जाता है, उनकी लाइफ को भी वहाँ पे कंजर्व किया जाता है। जैसे जो जंगलों में पाए जाने वाले
जो ह्यूमंस की जो कम्युनिटी होती है उनको भी वहाँ पे क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। अब आते हैं लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। तो सबसे पहले हम इस पे देखते हैं, फर्स्ट है ग्रेट रन ऑफ कच्छ। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 2008 में हुआ था इसका एस्टेब्लिशमेंट। स्टेट है गुजरात, टाइप है डेजर्ट टाइप है, एंड इंडिया इसका की फाउना यहाँ पे क्या मिलता है, इंडियन वाइल्ड ऐश मिलता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है इसका 1989 में गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। स्टेट है तमिलनाडु, टाइप है कोस्टल टाइप, एंड डुगोंग ऑफ और सी काउ यहाँ पाए जाते हैं। 1989 में सेम सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व वेस्ट बंगाल में जो कि स्थित है, यहाँ पे जेंजेटिक डेल्टा टाइप का इसका टाइप है, जहाँ पे क्या पाए जाते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 2009 में कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, नाम क्या है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसका टाइप कैसा है, वेस्टर्न हिमालयन टाइप में स्थित है या साइड में स्थित है, जिसमें क्या पाए जाते हैं, स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। 1988 में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जो कि उत्तराखंड स्टेट में एस्टेब्लिश्ड है, एंड इसका टाइप है वेस्टर्न हिमालय टाइप है, एंड यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइप के फाउना नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब स्पेसिफिक कहने का मतलब है एक स्पेशल टाइप के नहीं पाए जाते, मिक्सअप टाइप के पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फाउना पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 1986 नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना, नेशनल पार्क सेंचुरीज, एक या एक से अधिक नेशनल पार्क या सेंचुरीज को आपस में इंक्लूड कर सकती है, तो वैसे ही उसमें क्या आ जाएंगे, स्टेट्स भी आते हैं, ठीक है। तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका सभी आ जाएंगे इसमें। एंड इसका टाइप कैसा है, वेस्टर्न घाट है, यहाँ नीलगिरी थॉर लॉयन टेल्ड एंड मकाऊ यहाँ पाए जाते हैं। 1998 में दिहैंग दिबैंग अरुणाचल प्रदेश में है। इस दिहैंग दिबैंग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, ये इसका टाइप है ईस्टर्न हिमालय टाइप है, एंड यहाँ पे भी कोई स्पेसिफिक टाइप के एनिमल नहीं पाए जाते हैं, मतलब मिक्सर टाइप के पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट है एट बायोस्फीयर रिजर्व 1999 में पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका टाइप है सेमी एराइड कंडीशन है, एंड यहाँ पे जियंट स्क्वायरल फ्लाइंग स्क्वायरल पाए जाते हैं। नाइन्थ है 2010 शीशाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। इसका इस टाइप है ईस्टर्न घाट है, एंड यहाँ पे भी कोई स्पेसिफिक एनिमल नहीं पाए जाते हैं। 1994 में सिंपली पाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में जो कि एस्टेब्लिश्ड है, यहाँ इसका टाइप है डेक्कन पेनिनसुला प्लेट्यू में पाए जाते हैं। स्पेसिफिक फौगना है गौर, रॉयल बंगाल टाइगर, वाइल्ड एलिफेंट इत्यादि। नेक्स्ट है 2005 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था किसका, अचानक माल अमरकंटक, ठीक है। अचानक माल अमरकंटक मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ जो है ये दोनों के मिक्सअप बॉर्डर में स्थित है, ठीक है। ये कौन से हिल में पाया जाता है, इसका टाइप कैसा है, मैकॉल हिल्स, एंड यहाँ पे भी कोई स्पेसिफिक टाइप के फौना नहीं पाए जाते हैं। 12th है 1989 में मानस बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि असम में स्थित है। इसका स्टेट इसका टाइप है ईस्ट हिमालयन टाइप, एंड यहाँ पे गोल्डन लंगूर रेड पांडा पाए जाते हैं। 2000 में एंड 2000 में कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि कहाँ पे स्थित है, जो सिक्किम स्टेट में स्थित है, एंड यहाँ का टाइप है ईस्टर्न हिमालय, जहाँ पे क्या पाए जाते हैं, स्नो लेपर्ड एंड रेड पांडा पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 2001 में अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि केरला तमिलनाडु में स्थित है, एंड इसका टाइप है वेस्टर्न घाट, नीलगिरी थॉर एंड एलिफेंट्स यहाँ पे स्पेसिफिक या स्पेशल एनिमल यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 1989 में ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व,
जो कि अंडमान एंड निकोबार में स्थित है एंड इसका टाइप है आइसलैंड टाइप है। एंड यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाया जाता है। 16 है 1988 में नुकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो कि मेघालय स्टेट में स्थित है एंड यहाँ का टाइप है ईस्ट हिमालयास एंड यहाँ पे रेड पांडा स्पेसिफिक एनिमल पाया जाता है। 17 है 1997 डिबॉल साइकोवा बायोस्फीयर रिजर्व। डिबॉल साइकोवा बायोस्फीयर रिजर्व आसाम स्टेट में स्थित है जो कि इसका टाइप है ईस्ट हिमालय। यहाँ पे गोल्डन लंगूर पाया जाता है। एंड लास्ट है 2011 पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश स्टेट है मध्य प्रदेश एंड यहाँ इसका टाइप है केन रिवर। एंड यहाँ पे स्पेसिफिक या स्पेशल टाइप के एनिमल पाए जाते हैं टाइगर चिंकारा सांभरगंड स्लो बियर एंड चीतल यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व 9 ऑफ 18 बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया आर अ पार्ट ऑफ द नाइन ऑफ द 18th बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया आर अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व बेस्ड ऑन यूनेस्को मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व MAB प्रोग्राम लिस्ट। 18 बायोस्फीयर जो रिजर्व है उसमें से 9 जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जिसे MAB प्रोग्राम कहा जाता है उस लिस्ट में उसे वर्ल्ड के उस लिस्ट में उसे इंक्लूड किया गया है। दे आर गिवन इन बोल्ड इन द अबव लिस्ट है ना, ये कैसा है, बहुत ही बड़ा लिस्ट है। आउट ऑफ दिस 2 आर इन मध्य प्रदेश जिसमें से 2 कहाँ के हैं, 2 है मध्य प्रदेश से। द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व 1999 एंड द अचानक मार्ग अचानक अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व 2005। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक जो है बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया ये खत्म होता है। आई होप सो यू लाइक इट। थैंक यू।